हेलो, वेलकम बैक टू ऑफिशियल मनीरा। तो आज है 2 सितंबर और आज है मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। फिलहाल हम रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं मंदिर। हम अपने बर्थडे पे मतलब मोस्टली टाइम जाते हैं मंदिर, तो इस बार भी जाएंगे वहीं अपने पास वाले मंदिर में। तो चलते हैं, रेडी तो हो ही गए हैं, कुछ ऐसे लगाएंगे। ये देखो, और ये मेरे बर्थडे सूज जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलते हैं। टिंग टिंग। तो अब चलते हैं मंदिर। मौसम बहुत सही है, ना धूप है ना गर्मी है ज़्यादा। कितना सही लग रहा है रोड एकदम खाली। यहाँ पे देखो, आवाज़ सुनो कितनी अच्छी सी आवाज़ आ रही है, चिट चिट की आवाज़ आती है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मेनू में देखें, कुछ मिल जाएगा तो खा लेंगे। पिज्जा ही पिज्जा है इधर तो, बर्गर कॉफी। छोड़ो है, खिला दो यार कुछ, कुछ तो खिला दो यार। अभी हम लोग आए थे 10 UBR पिज्जा, लेकिन पिज्जा नहीं खाने, चौकोलावा खाने। बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पे आए हैं। तो ये अभी मेनू देखा जा रहा, देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं। बट अभी लावा रखा ये है क्या? वापस घर पे और अब शाम हो गई है, खाना बन गया है। खाने में आई थिंक पनीर बनी है और अभी जा रहे हैं केक काटने। एक केक तो काट लिए थे पहले, अभी एक और काटते हैं। रेडी होते, रेडी तो हो ही है, ज़्यादा कुछ नहीं होना था तो रेडी। तो हम रेडी हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए ऐसी जल्दी जल्दी से रेडी हो गए। तो चलते हैं, केक कट करते हैं। ये ले चलो, ले चार बुलाए ना, चलो चार बुलाए जो। अरे एक बता ना यार, तू खाएगा? हां चलो खा ले। काटो भैया, और हैप्पी बर्थडे टू यू।
भाई हुआ है चूना वाला ज्यादा बढ़िया लगा। तुम पहले गिराना करेंगे ब्लॉग। तो फाइनली मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है, केक भी बढ़ गई है, अब खाएंगे खाना। तो फाइनली केक कट हो गई है, बहुत मजा आया और केक भी अच्छा था। तो फिलहाल चेंज करते हैं और खाना खाते हैं। तो फिलहाल खाना ना खा चुके हैं, टहल भी आए और बैठे हैं अफ्रियो के बर्थडे वर्थडे मना के। तो आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे दो गिफ्ट मिले हैं जो कि श्रियांशु और देवांशु भाई ने दिए। तो दिखाते हैं क्या है इसमें। ये है श्रियांश राव हैप्पी बर्थडे भाभी जी श्रियांश राव। ये देखो इसकी फोटो भी खींच देना। ये तो अब इसको खोलते हैं, पैक तो बड़ा अच्छा दिया। एक तो बड़ा अच्छा दिया श्रेयांश।
हमें लगता है श्रेयांश और दिवांश ने दोनों दोनों बोल दिया। खुल गया है ऑलमोस्ट डन। ये हैंडमेड गिफ्ट है, ये देखो इसमें लिखा है, इसकी फोटो खींची जाए। लिफाफे के अंदर लिफाफा, डिब्बे के अंदर डिब्बा होता है ना, वैसे लिफाफे के अंदर लिफाफा। ओ वाओ, ये है मेरा गिफ्ट। थैंक यू श्रेयान, डेयरी मिल्क हैंडल, एक लेटर भी है। ये मुझे लगता है श्रेयान ने लिखा है, इसमें लिखा है हैप्पी बर्थडे भाभी जी। ये देखो इधर लिखा है दिव्यांशु राव, इधर श्रेयांश राव, हैप्पी बर्थडे। इधर शायद खराब हो गया था फिर इधर लिखा है, तो इसको हम संभाल के रखेंगे। ये मेरा पहला बर्थडे गिफ्ट है, मतलब बर्थडे लेता रहे। हैप्पी बर्थडे भाभी जी, थैंक यू सो मच। और अब देखते हैं इसमें क्या है। ये देवांशु का, थैंक यू देवांशु भाई। इसको मैं ऐसे फ्रेम करा के रख तो अच्छा लगेगा। इसको या तो हम खुद ही फ्रेम कर लेंगे या कराएंगे, अच्छा लग रहा है मुझे। ये देवांशु ने खुद से बनाया है ड्राइंग, तो अच्छी है, हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है। वाह, थैंक यू सो मच। ये थी मेरी दो गिफ्ट जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। और एम आर जी ने मुझे जूते गिफ्ट किए हैं जो कि आज हम पहन भी चुके, और मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने ऑफिस में भी केक काटा और यहाँ घर पे भी बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक काटा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फ़ोन आए तो मुझे अच्छा लगा बहुत। थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे विश किया, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया और मुझे स्पेशल फील कराया। थैंक यू सो मच। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।